नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद करंट अफेयर्स में। तो दोस्तों, आज इस सेशन के माध्यम से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी अहम साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी महिला बॉलर विश्व कप में विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर पहुँच गई है? ए झूलन गोस्वामी, बी दीप्ति शर्मा, सी शेफाली वर्मा, डी स्मृति मंदाना। तो इसका सही जवाब है झूलन गोस्वामी। भारतीय क्रिकेट टीम की अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक विकेट लेकर इतिहास रच दिया है। झूलन गोस्वामी ने न्यूजीलैंड की पारी के आखिरी ओवर मैं कैटी मार्टिन को क्लीन बोल्ड करके वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की। झूलन गोस्वामी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष पर पहुंच गई हैं। झूलन का यह महिला वर्ल्ड कप में 39वां विकेट था और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की लिन फुलटिटस को की बराबरी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल की किस ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए भूमिका श्रेष्ठ, बी कोमल त्यागी, सी अनमोल सचदेवा, डी श्रेया अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है भूमिका श्रेष्ठ। नेपाल की ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता भूमिका श्रेष्ठ को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन्स ऑफ कवरेज पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई। उन्हें यह सम्मान LGBTI समुदाय के जीवन में सुधार की कोशिशों के लिए दिया जा रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग का यह लगातार दूसरा साल है जब किसी नेपाली नागरिक को यह पुरस्कार दिया गया। पिछले साल मुस्कान खातून को तेजाब हमलों के खिलाफ उनके काम के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर तीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के विपक्ष उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यूएन सुकयोल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है? ए जापान, बी ईरान, सी नेपाल, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया में विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व शीर्ष अधिवक्ता यून सुक पोल को देश का नया राष्ट्रपति चुने जाने पर उन्हें बधाई दी। साथ ही कहा कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को और विस्तार व मजबूती देने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। योल ने राष्ट्रपति चुनावों में कांटे के मुकाबले में सत्ताधारी दल के प्रतिद्वंदी ली जिंग मायूंग को हराया। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति पद के लिए अब तक हुए चुनावों का यह सबसे कड़ा मुकाबला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में आयोजित होने वाले 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान के लिए निम्न में से किसे भारत का प्रतिनिधि चुना गया है? ए नेहा पाठक, बी अर्षि वर्मा, सी कोमल त्रिपाठी, डी अंजू अग्रवाल। तो इसका सही जवाब है अंजू अग्रवाल। इसका सही जवाब है, गलत बोल दिया हमने, आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया, जो मार्च 2022 में आयोजित होने वाली है। वे पिस्टल और ट्रैप शूटिंग में एक राष्ट्रीय स्तर की निशानेबाज और एक राज्य और उत्तर भारत चैंपियन राष्ट्रीय पदक विजेता एक सक्रिय पर्यावरणविद हैं। उन्हें इस फाउंडेशन द्वारा पूरी तरह से समर्थन और प्रायोजित किया जाएगा। 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान अगली पीढ़ी के सस्टेनेबिलिटी चैंपियन को प्रशिक्षित करने और विकसित करने के नियमों को उनके स्थिरता समाधानों में मदद करने हेतु एक वैश्विक पहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्न में किस क्रिकेटर ने काउंटी टीम सनसेक्स के लिए खेलने का करार किया? ए रहाणे, बी रोहित शर्मा, सी चेतेश्वर पुजारा, डी केएल राहुल। तो इसका सही जवाब है चेतेश्वर पुजारा। टीम इंडिया के बैट्समैन चेतेश्वर पुजारा काउंटी चैंपियनशिप और रॉयल लंदन
वनडे कंपटीशन में खेलेंगे। पुजारा सनसेक्स टीम के साथ जुड़े हैं, उन्हें ट्रेविस हेड की जगह टीम में शामिल किया गया। हेड ने वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से इसे छोड़ा। पुजारा चौथी बार किसी काउंटी टीम से जुड़े हैं, इससे पहले 2014 में डर्बीशायर, 15 और 18 में यॉर्कशायर और 2017 में नॉटिंघमशायर के लिए खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है डी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत 101.4 अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले हफ्ते यूक्रेन की सैन्य मानवीय आर्थिक मदद के लिए 10 अरब डॉलर का अनुरोध किया था, जो डेमोक्रेटिक व रिपब्लिकन सांसदों के समर्थन से 13.6 अरब डॉलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस पूर्व भारतीय बॉलर ने घरेलू क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो इसका सही जवाब है एस श्रीसंत। तेज गेंदबाज एस श्रीसंत ने भारतीय घरेलू प्रथम श्रेणी और सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। श्रीसंत रणजी ट्रॉफी 2022 में केरल की तरफ से खेलते नजर आए थे। लीग राउंड की समाप्ति के बाद इस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया। 2013 में श्रीसंत मैच फिक्सिंग में फंस गए थे, जिसके बाद उनका करियर पूरी तरह बर्बाद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, DTH ब्रांड की D2H ने निम्न में से किसे भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए ऋषभ पंत, इसका सही जवाब है। भारतीय क्रिकेट टीम के ऋषभ पंत को D2H का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। डिश टीवी का सीधा प्रसारण सैटेलाइट सेवा प्रदाता है। पंत अगले 2 वर्षों तक D2H के 360 डिग्री ब्रांड कम्युनिकेशन दिखाई देंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है यू सुक योल। राइट आंसर, यू सुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, ये आपको याद रखना है। विश्व किडनी दिवस 2022 का विषय थीम क्या था? तो इसका सही जवाब किडनी हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक ब्यूरो ने किस संस्थान के साथ BIS मानवीकरण चेयर प्रोफेसर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब है IIT कानपुर। मोहम्मद रिजवान ने ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। उन्होंने 29 मैचों, नहीं ये गलत है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे के निम्नलिखित में से किस डिवीजन ने गतिशक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल GCT को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब मालदा। गतिशक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल के संबंध में प्रधानमंत्री की दृष्टि गतिशक्ति और रेल मंत्रालय की नीति के अनुसार भारतीय रेलवे के आसनसोल डिवीजन ने थापर नगर में मैथन पावर लिमिटेड की निजी साइडिंग को सफलतापूर्वक चालू किया है। दिसंबर 2021 में GCT नीति के प्रकाशन के बाद भारतीय रेलवे का यह पहला GCT है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े 33 सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 150.4 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित भारत के सबसे बड़े 33 सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए तमिलनाडु के दुदुक्कुड़ी में दक्षिणी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड कारखाने में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी ने खुदरा निवेशकों के लिए UPI के माध्यम से निवेश सीमा बढ़ाकर कितने लाख रुपये कर दी है?
तो इसका सही जवाब है 5 लाख रुपए कर दिए हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस UPI तंत्र के माध्यम से सार्वजनिक ऋण प्रतिभूतियों की जारी करने में आवेदन करने वाले खुदरा निवेशकों के लिए निवेश सीमा को पहले से 2 लाख रुपए बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। सेबी अध्यक्ष माधवीपुरी बुच्चो, मुख्यालय इसका मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूपिन ने किसको अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के लिए साइन किया है? तो इसका सही जवाब है मैरी कॉम को। वैश्विक फार्मा प्रमुख ल्यूपिन लिमिटेड ने घोषणा किया है कि उसने 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अनुबंधित किया है। अभियान का उद्देश्य महिलाओं में हृदय रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई मूर्ति किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इसका सही जवाब बिहार में। बिहार में स्थित बोधगया में भारत की सबसे बड़ी झुकी हुई बुद्ध की मूर्ति आएगी। बोधगया में, जो कि दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, उस स्थान के रूप में जाना जाता है जहाँ धार्मिक नेता या धार्मिक गुरु गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो बिहार की राजधानी आप जानते हैं पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO GCTM की स्थापना आयुष मंत्रालय के किस शहर में की जाएगी? तो इसका सही जवाब है जामनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO GCTM की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में भारत सरकार द्वारा विश्व निकाय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस हैं। WHO मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूसुफ योल निम्नलिखित में किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही जवाब है दक्षिण कोरिया। पीपल्स पावर पार्टी रूढ़ीवादी पार्टी के नेता यूसुक योयोल ने 2022 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति का चुनाव पद जीत लिया है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति मून जे इसका स्थान लिया है। वह 10 मई 2022 को राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले हैं। यूसुक योयोल एक दक्षिण कोरियाई राजनीतिज्ञ, पूर्व लोक अभियोजक और वकील हैं। उन्होंने राष्ट्रपति मून जे इन के कार्यकाल में 2019-21 में दक्षिण कोरिया के अभियोजन जनरल के रूप में कार्य किया था। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल और मुद्रा वहां की दक्षिण कोरियाई बोन है। अगला क्वेश्चन है, NLMC किस मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है वित्त मंत्रालय। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों को और सरकारों से जुड़ी अन्य एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्र के पूर्ण स्वामित्व के लिए वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत NLMC के पास 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी और 150 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी होगी। वित्त मंत्रालय की मंत्री जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वीडिश स्थित बी डैम इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार भारत रैंक का रैंक में रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है 93। स्वीडिश आधारित बी डैम डेमोक्रेसी की किस्म है। संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 ऑटोक्रेटाइजेशन चेंजिंग नेचर शीर्षक से भारत को दुनिया के शीर्ष 10 निरंकुश देशों में स्थान दिया गया है और लिबरल पर 93वां स्थान दिया गया है। 179 देशों में से लोकतंत्र सूचकांक LDI है। बीडेम संस्थान मुख्यालय गोथेनबर्ग स्वीडन में है। निर्देशक स्थापन आई लिंडबर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनटैग ने अपनी बायसेस UPI भुगतान सेवा लॉन्च करने के लिए भुगतान बैंक और NPCI के साथ भागीदारी की है। तो इसका सही जवाब है
NSDL पेमेंट्स बैंक, टैग 10 ए फीचर फोन उपयोगकर्ता के लिए अपनी बायसेस UPI भुगतान सेवा शुरू करने के लिए NSDL पेमेंट्स बैंक और NPCI के साथ साझेदारी की। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा UPI 123 पे सुविधा शुरू करने के बाद आया है, जो फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए UPI भुगतान को सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों के लिए उन्नति को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की क्रेडिट आई के साथ भागीदारी किसने की है? तो इसका सही जवाब है वित्तीय बो। बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा की पूर्व स्वामित्व वाली सहायक कंपनी क्रेडिट आई फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड एक सिंगापुर और बेंगलुरु स्थित किसान डिजिटीकरण और क्रेडिट स्कोरिंग कंपनी के साथ उन्नत संपर्क सहित सह ब्रांडेड लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है। विशेष रूप से किसानों के लिए वीजा नेटवर्क प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराना है। बॉ फाइनेंसिंग सॉल्यूशन लिमिटेड के MD और CEO शैलेंद्र सिंह हैं और मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा पर रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए G7 कृषि मंत्रियों की एक आवासीय बैठक की मेजबानी कौन करेगा, कहाँ होगी? तो इसका सही जवाब है जर्मनी। जर्मनी खाद्य सुरक्षा पर रूस यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए G7 कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक की मेजबानी करेगा। जर्मनी में सरकार ने घोषणा की है कि यह विश्व खाद्य सुरक्षा पर रूस यूक्रेन संघर्ष के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए G7 देशों के कृषि मंत्रियों की एक आभासी बैठक की मेजबानी करेगी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और राष्ट्रपति फ्रैंक वाल्टर स्टीनमायर हैं और मुद्रा वहाँ की यूरो है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड एम्बेसडर कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है प्रियंका नौटंकी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली 19 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी प्रियंका नौटंकी ने ओडिशा के भुवनेश्वर और आयोजित IMPL 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियन 2022 ने अपना अंतिम WGM मानदंड हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेटा ने बैंक ऑफ फिनटेक के लिए अगली पीढ़ी के क्रेडिट प्रोसेसिंग के लिए किस कंपनी के साथ भागी की है? तो इसका सही जवाब है मास्टर कार्ड। मास्टर कार्ड और जेटा एक वित्तीय तकनीकी स्टार्टअप जो बैंक और फिनटेक को अगली पीढ़ी के क्रेडिट कार्ड प्रसंस्करण प्रदान करेगा ने दुनिया भर में 5 साल का समझौता किया। सौदे के हिस्से के रूप में कंपनियां जेटो के आधुनिक क्लाउड नेटिव API रेडिट क्रेडिट प्रोसेसिंग स्टैक का उपयोग करके दुनिया भर के जारीकर्ताओं के साथ क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए मिलकर काम करेंगी। क्वेश्चन नंबर 26, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। भारत 2021 में डिजिटल शॉपिंग में वैश्विक निवेश के लिए रैंक करता है? तो इसका सही जवाब है 2। लंदन एंड पार्टनर्स लंदन की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निवेश एजेंसी के मेयर के डील रूम निवेश डेटा के विश्लेषण के अनुसार भारत ने डिजिटल शॉपिंग कंपनियों के लिए दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक उद्यम पूंजी निवेश हासिल केंद्र हासिल किया है, जो पिछले साल 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 175% हो गया है। 2020 से 2021 में 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। लंदन एंड पार्टनर CEO लॉरा सिंट्रोन है और मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हुई थी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कंटेंट हमारा जेन्युइन है और हम इस तरह की वीडियो लाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं कल, गुड बाय।